हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ लहंगा, जो कि मीशो से है। तो एक मैंने खरीदा हुआ था और एक मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया हुआ था मेरी एनिवर्सरी पर। आपने अगर एनिवर्सरी ब्लॉग देखा है तो उसमें आपने देखा होगा। तो वो भी मीशो से था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि उसकी क्वालिटी कैसी है, नहीं है, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। और मैंने ज्वेलरी भी मंगाया हुआ था, तो मैंने सोचा उसको भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें अच्छी लगी तो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ मैं आपको ये लहंगा जो मेरी मम्मी लाई हुई थी मेरे एनिवर्सरी पे। तो ये ब्लू कलर में है, मल्टी कलर में है, देख सकते हो। और इसका जो है घेर भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा है, देख सकते हो। आपको इसे दिखाती हूँ, तो बहुत ही अच्छा है ये। इसकी चाको तो ले सकते हो, इसकी क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छी है। और वर्क भी जो है जो किया हुआ है इसमें साइन कर रहा है, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो ये हो गया लहंगा। और इसका जो है ब्लाउज ये पिंक कलर में है, ये हो गया बैग। तो ब्लाउज कुछ खास नहीं है, फिर भी ठीक है, अच्छा है। और लहंगे की जो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। तो और इसका जो है दुपट्टा ये पिंक कलर में है, तो ये जो होता है ना सॉफ्ट सिल्क वो नहीं है, ये चंदेरी टाइप से है। तो ये सॉफ्ट नहीं है, पर ये जो है साइन कर रहा है, अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ। तो ये आपको नीचे के साइड आ जाएगा दोनों साइड से, देख सकते हो। और ये इसमें लड़ी भी मिलेगा और पूरा जो है आपको बीच में ये मिलेगा। तो आपको ये कुछ इस तरीके से, तो ये जो है बहुत ही अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। उसके बाद दूसरा मेरा है ये गोटा पट्टी लहंगा है, ये देख सकते हो। इसमें भी जो है घेर बहुत ही ज्यादा है, देख सकते हो। ये भी एक पार्ट नहीं है, ये दो पार्ट है। इतना जो है खोलूंगी तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको दो पार्ट में दिखा रही हूँ। इसको फोल्ड करके देख सकते हो। तो इसमें आपको जो है अस्तर अंदर से नहीं मिलेगा, सिर्फ लहंगा मिलेगा और जो है सूट के लिए मिलेगा और दुपट्टा मिलेगा। तो इसका घेर जो है बहुत ही ज्यादा है, देख सकते हो। मैं इसको चार बार किया हुआ है, फिर भी बहुत ही ज्यादा है। तो इसका वर्क तो बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा जो है थोड़ा अलग जो हटके भी रहना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको लिया। यहाँ पे आपको इस तरीके से दिया जाएगा, आप जो है अपने हिसाब से, आप अपने साइज के हिसाब से यहाँ कट कर सकते हो। ये कट किया हुआ नहीं मिलेगा आपको, तो आपको खुद से करवाना होगा। और इसमें जो है अस्तर आपको अंदर से नहीं मिलेगा, तो आपको जो है खरीदना पड़ेगा। जैसे कि मैंने ये खरीदा हुआ है, ये साटन कपड़ा है और आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। तो ये बहुत ही साइन करता है, बोलो कि साटन का कपड़ा चाहिए, तो ये आपको मीटर के हिसाब से मिल जाएगा, तो आपको ये खरीदना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ इसका ऊपर का हिस्सा, जो है सूट के लिए दिया गया है। आप इसको कैसे भी बनवा सकते हो, पर ये प्रॉपर सूट दिया गया है, इस तरीके से आपको वर्क आएगा। और यहाँ पे जो है बाजू आएगा, आप देख सकते हो पीछे प्लेन दिया हुआ है। तो इसमें भी आपको अस्तर अंदर से नहीं मिलेगा, आपको जो है खरीदना पड़ेगा। जैसे कि ये है तो मैंने खरीद लिया है, मैं भी इसको सिलने वाली हूँ, तो देखती हूँ कैसा लगेगा।
तो मैंने इसमें मैच करके खरीद लिया है। उसके बाद इसमें आपको एक दुपट्टा भी मिलेगा जो कि आपका जैसा लहंगा है उस कलर में मिलेगा। और ये मैंने खुद से लगाया हुआ है, ये थोड़ा राजस्थानी लुक देता है तो इसलिए मैंने इसको खरीदा, आप देख सकते हो। तो उसके बाद ये अच्छा लग रहा है, तो आपको इस तरीके से इसका दुपट्टा मिल जाएगा। नीचे के साइड में दोनों साइड से वर्क मिलेगा आपको, फिर उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा वर्क मिलेगा इस तरीके से। तो ये भी बहुत अच्छा राजस्थानी लुक देगा। तो ये था मेरा लहंगा। तो इसके बाद मैंने चोकर मंगाया हुआ था, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये ब्लू कलर में है, आप देख सकते हो, इसमें जो है बहुत ही अच्छा लगता है। ये इस तरीके से, और इसमें इयररिंग दिया हुआ है इस तरीके का, देख सकते हो। इसमें जो गले में बनाया हुआ सेम वही है, तो ये चोकर हो गया और इसका इयररिंग हो गया। तो ये भी बहुत ही अच्छा है, इसकी भी क्वालिटी अच्छी है, प्राइस के हिसाब से तो अच्छी ही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हो गया ये ऑक्साइड ज्वेलरी जो जिसे कहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो लोटस बना हुआ है, तो ये भी मैं पहन चुकी हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा लगा। और इसमें जो है तो ये इयररिंग हो गया, ये चोकर हो गया, और इसमें एक जो है फिंगर रिंग भी दिया जा रहा है, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है, आप देख सकते हो। ये मैंने दो सेट मंगाया हुआ है, तो क्वालिटी तो मुझे बहुत ही अच्छी आई। तो ये थी मेरी मीशो की शॉपिंग। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ, मैंने फ्लिपकार्ट से दो सामान मंगाया, तो मैंने सोचा वो भी शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए दिखाती हूँ। तो पहला मेरा ये है, ये है हाइलाइटर। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा लूँ, मुझे क्योंकि मैं यूज़ नहीं करती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो फाइनली मैंने एक ये मंगा लिया, तो मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा समझ नहीं है, आप देख सकते हो। तो ये स्विस ब्यूटी का है, तो मैं इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ, तो दिख रही है। तो ये हाइलाइटर है, तो अच्छा तो लग रहा है, पर मुझे इसकी समझ नहीं है, ऐसे यूज़ तो कर मंगा तो लिया है मैंने, तो मुझे पता नहीं था कि कौन सा मंगाना चाहिए नहीं मंगाना चाहिए। तो मैंने बहुत सोचने के बाद फिर ये मंगाया, तो आपको देख सकते हो अच्छा तो लग रहा है। फिर दूसरा है ये, मैंने फेस वॉश मंगाया था मामा अर्थ का विटामिन सी वाला, एंड टर्मरिक है इसमें। तो देख सकते हो, मैंने सोचा पहली बार मैंने मंगाया हुआ, तो मैंने सोचा कि इतना तो दिखा दूँ। तो ये जो है इस तरीके से देख सकते हो फॉर्म निकल रहा है, तो आप फेस पे डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हो। तो मुझे इसमें जो ब्रश लगा हुआ है इसके कारण बहुत ही अच्छा लगा, ये बहुत ही सॉफ्ट है, आपको स्किन पे खराब जो है ना थोड़ा सा रफ नहीं होगा, बहुत ही सॉफ्ट ब्रश है, तो मुझे ये भी बहुत ही अच्छा लगा। मैंने मंगाया तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो ये थी मेरी शॉपिंग जो मैंने की हुई थी। तो जो है मैंने जितना भी सामान मंगाया सारा ही अच्छा था, तो आप भी मंगा सकते हो, मैं कोड नीचे डाल दूंगी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।